Hey, what is up gamers? My name is Oshan and you watching Oshan Gaming. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ हिडन सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपका गेम प्ले नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। अब मुझे पता है आप में से काफी सारे बंदे अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप फुल देखोगे तो आप और भी अच्छा खेलने लग जाओगे। और गाइस, आज की इस वीडियो को फुल तो देखना ही देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर रिडीम कोड होने वाला है जो कि मेरी हर वीडियो के अंदर होता है। आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट कर लेना ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन जाए एंड आप जल्दी से जल्दी रिडीम कोड को रिडीम कर पाए। सो गाइस, एक छोटे से इंटरव्यू बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, हमारी जो मेन सेटिंग्स होती है वो होती है फोन के अंदर। अब आप चाहो तो डीपीआई बढ़ा सकते हो अपना और घटा भी सकते हो। देखो, डीपीआई जो होता है ना हमारा 360 होना चाहिए, ठीक है। 360 से ज्यादा मत करो, ठीक है, और ना उसको कम करो। जितना नॉर्मल आपका डिफॉल्ट आया था उसको उतना का उतना ही रहने दो। यार फोन जो इनबिल्ट होती है ना अपनी सेटिंग, उससे छेड़छाड़ मत करो। अपनी गेम की सेटिंग से छेड़छाड़ करके देखो आपकी कौन सी गेम की सेटिंग्स आपके कितने हेड पड़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं एंड के अंदर आपको वीडियो के दिखाऊंगा कि मेरा कौन सा कस्टम एचयूडी है, तो उससे भी आप जज कर सकते हो यार कैसा मतलब खेलता हूँ मैं, ठीक है। मैं 4 फिंगर प्लेयर हूँ, मैं 2 फिंगर प्लेयर हूँ, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जनरल सेटिंग, आपको जनरल कितने में रखना चाहिए। देखो, जनरल तो नॉर्मली सबको पता होता है 100 पे रखते हैं। आप देखो, आप नॉर्मल 20 पे करके देखो, आप 40 पे करके देखो, ठीक है। अगर आपके पास आईफोन होगा ना तो यार आईफोन की तो वैसी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए हल्की सी स्क्रीन पे काफी ज्यादा मूव कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह एंड्रॉइड फोन है तो यार आप 100 पे रखो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप 100 पे रखो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए स्क्रीन को अपनी मूव करने में, ठीक है। क्योंकि हम यार नॉर्मल बंदे हैं, ठीक है, ना पीसी हमारे पास, ना हमारे पास कोई आईफोन है, ठीक है, तो हम नॉर्मल बंदे हैं। तो आपको 100 पे रखना है अपने जनरल सेटिंग को, ठीक है, जिससे कि आपका काफी ज्यादा अच्छा हेल्प मिलेगा आपको ड्रैग करने में, अच्छे से आप हेडशॉट मार पाएंगे। अब देखो, काफी सारे बंदों के मन में डाउट होता है कि भाई ये रेड डॉट की सेटिंग होती क्या है आखिर, ठीक है। रेड डॉट अब बंदों को समझ नहीं आता है और वो क्या करते हैं, रेड डॉट को या तो 50 पे कर देते हैं या 60 पे कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो यार रेड डॉट जो होता है ना आपका मेन होता है, ठीक है। अब रेड डॉट होता क्या है, आप बंदे के ऊपर जब भी अटैच करते हो ना अपनी एम को, ठीक है, वैसे नॉर्मल आपका वाइट एम होता है, ठीक है, जैसे आपके पास एम जो है बंदे के ऊपर टच हो जाएगा तो वो रेड हो जाता है, ठीक है। अगर आपका जो 100 पे होगा, ठीक है, अगर आप एंड्रॉइड फोन है आप 100 पे उसको करोगे तो क्या होगा ना, आपका जो एम है वो ऑटोमेटिकली बंदे के हेड के ऊपर को खींचेगा वो, ठीक है। एम अगर आप 100 पे करोगे हल्की से ड्रैग पे, आपका एम जो है वो ऑटोमेटिकली हेड पे चला जाएगा। आप एक बारी ट्राई करके जरूर देख रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह करके ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाके आप चेक कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ओके, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कीजिएगा। मैं तो वैसे 100 पे रखता हूँ, आप अपने हिसाब से देखिएगा। अब देखो, जो ये 2x स्कोप की जो सेटिंग का ये ऑप्शन आ रहा है जिसको 0, 100 कुछ भी कर सकते हो आप, उसको आपको हमेशा रखना है पहले तो 100। अब मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों, ठीक है। आप जब भी अपने गेम के अंदर होगे और आप स्कोप खोल के किसी बंदे को मारने का ट्राई कर रहे हो एंड आप चाहते हो उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिले, आप उसको 100 कर दीजिएगा। उसके बाद स्कोप खोल के अपना मूवमेंट अगर आप हल्का सा भी हिलाओगे ना तो गाइस वो बहुत जोर से हिलेगा, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी होगी हेड लगने में, ओके, ये भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ऐसे ही सेम ट्रिक आप 4x पे भी कर सकते हो, 4x पे सेम है, ठीक है। आप 4x स्कोप ओपन करके करोगे तो उसके अंदर भी आपका काफी ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं AWM के स्कोप के बारे में। देखो, आप AWM के स्कोप को आप गलती से भी 100 मत कर देना, नहीं तो आप अगर उसको 100 करोगे तो आपका एम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। एंड AWM क्या होता है ना यार, आपको स्कोप खोल के एम लेना पड़ता है, वो डिफॉल्ट नहीं होती, ठीक है। अब मैं डिफॉल्ट के बारे में बताऊंगा, आपको डिफॉल्ट रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ भी बताऊंगा, ओके। आप अगर अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को और पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। अगर हम लोग 100 नहीं रख रहे तो गाइस आप किस पे रखना है आपको अपने AWM के स्कोप की सेटिंग को, तो आपको हमेशा 62 से 61 या फिर 50 भी रख सकते हो, ठीक है गाइस। अब अगर 51 रखोगे तो भी वो काफी अच्छा होता है, ठीक है, आपके फोन के ऊपर डिपेंड करता है। आप ट्राई करिएगा आपका किसके अंदर ज्यादा फास्टिंग में आपकी AWM चल रही है, आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब देखो, फ्री लुक की सेंसिटिविटी में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि फ्री लुक की सेंसिटिविटी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं फ्री लुक यार यूज ही नहीं करता हूं। पर्सनली बताऊं तो मैं को अच्छा ही नहीं लगता वो, इसलिए मैं यूज ही नहीं करता हूं उसको, इस वजह से मैं आप लोगों को उसकी सेंसिटिविटी नहीं बता सकता। आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो उसके बारे में, आप वहां पे जाके देख सकते हो किसी और चैनल पे जाके, क्योंकि यार मैं यूज नहीं करता तो मैं आपको क्या ज्ञान दूं भाई, ये बताओ मुझे, ठीक है। सो अब चलिए बढ़ते अपने कंट्रोल्स की ओर। अब देखो, हम कंट्रोल्स के अंदर जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, डिफॉल्ट, प्रिसाइज स्कोप, ठीक है, एंड लास्ट में दिखता है फुल कंट्रोल। अब देखो, क्या काफी सारे बंदे जो है फ्री फायर जो खेलते हैं वो 95% लोग जो होते हैं वो डिफॉल्ट में खेलते हैं, लेकिन जो कुछ पागल बॉडम लोग होते हैं वो खेलते हैं फुल स्कोप प्रिसाइज के अंदर, ठीक है, और कुछ मेंटल लोग होते हैं वो
खेलते हैं फुल कंट्रोल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपका एम ही नहीं बॉडी के ऊपर टच करेगा किसी भी बंदे की। अब मैं पर्सनली बताऊं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डिफॉल्ट के अंदर खेल रहे हो तो आपके हेड लगने के बहुत चांसेस है, लेकिन आप प्रिसाइज अगर खेल रहे हो, प्रिसाइज करके खेल रहे हो तो आप AWM के अंदर उसको यूज करो, प्रिसाइज करके AWM यूज करो, आपके उसके अंदर भी रेड नंबर आएगा, ठीक है गाइस, क्योंकि AWM जो होता है ना उसको स्कोप खोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी के ऊपर एम करती है ना, मतलब जैसे कि आप उस बॉडी के ऊपर एम लेके जाओगे एंड आप प्रिसाइज करके खेलोगे तो वो हेड के ऊपर एम लेके जाएगा आपका, ठीक है, तो आप AWM के अंदर उसको चाहे तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज तो आप डिफॉल्ट ही रहने तो अपनी सेटिंग। सो गाइस मैंने आपको सारी सेटिंग्स प्रॉपरली बता दी है, आई होप सो आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं दिखाता हूँ गाइस आपको अपना खुद का कस्टम HUD कि मैं क्या खेलता हूँ। मैं बता दूं आपको, मैं जो हूँ गाइस कभी कभार 3 finger player खेलता हूँ, कभी कभार 4 finger player खेलता हूँ, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसा खेल रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरा कस्टम HUD है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड में लेफ्ट में स्विचिंग बटन को डाल रखा है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट फायर बटन को डाल रखा है, ठीक है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो मैं 4 finger ज्यादातर खेलता हूँ, ठीक है, और नीचे के अंदर मैंने ग्लोवल लगा रखी है, आप उससे भी डिपेंड कर सकते हो कि मैं कभी कभार गाइस देखो मैं मेरी सिचुएशन को डिपेंड करता है कि मैं कैसा खेल रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं 3 finger तो खेलता ही खेलता हूँ, ठीक है, 2 finger मैंने कब की छोड़ दी है, ओके, और 3 fingers में शिफ्ट हो चुका हूँ, और ये जो लेफ्ट फायर बटन है ये मैं बहुत रेयर चांसेस से यूज करता हूँ, जब मैं AWM वगैरह यूज करता हूँ तभी मैं इसको 3 finger को यूज करता हूँ, सॉरी 4 finger को यूज करता हूँ, ठीक है गाइस, अदरवाइज मैं हमेशा 3 finger ही प्रेफर करता हूँ। एंड मैं 3 finger के लिए प्रॉपरली कस्टम HUD भी आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सा कस्टम HUD यूज कर सकते हो 3 finger के ऊपर, ठीक है। 2 finger तो यार बहुत पुराना हो चुका है, आई होप सो आप लोगों ने भी शिफ्ट कर दिया होगा अपने 3 finger से, मतलब 2 finger से 3 finger के ऊपर। जाते जाते मुझे कमेंट में जरूर बताना आप 2 finger player हो, 3 finger player हो या 4 finger player हो, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।